नजफ खान टूम, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। चलिए आइए मैं आपको एक अच्छी सी जगह और दिखाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ कैमरा टिल्ट करके दिखाऊँ आपको कि यहाँ पे जो है ना पार्किंग आपको ऑन द रोड ही करनी पड़ेगी। इसकी कोई स्पेशल कार पार्किंग या व्हीकल पार्किंग जगह नहीं है। ये बाहर बेंचेस लगे हैं बैठने के लिए। ये रेसिडेंशियल एरिया में है। आइए अंदर की तरफ रुख मोड़ते हैं। ये है गेट, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। ये बोर्ड लगे हुए हैं कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। यहाँ पे एक वॉचमैन साहब भी थे, गार्ड साहब थे, वो साइड में बैठे थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आप कितनी देर देखेंगे, तो मैंने कहा जस्ट थोड़ा सा एक चक्कर मार के, थोड़ा सा वीडियो शूट करके, थोड़ा समय बिता के हम चले जाएंगे। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है और ये पूरा एक गार्डन सा है। बेसिकली गार्डन है, बीच में टूम है, पूरा ग्रीनरी है। यहाँ पर आप देखें कितनी हरियाली है, कितना अच्छा लग रहा है। खैर थोड़ी सी धूप थी बट ठीक है, अब ट्रैवल करना है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना है, तो थोड़ा सा मौसम को तो बर्दाश्त करना पड़ता है। ये मेरी अहलिया है, मेरी वाइफ है, हम साथ में ट्रैवल करते हैं हमेशा। तो ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, दिस इज़ द नजफ खान टूम। ये एलिवेटेड प्लेटफॉर्म सा है, तो इसके ऊपर खैर हम नहीं जा पाएंगे। इसके चारों एंड से मैंने कोशिश करी देखने की, कहीं से एंट्री नहीं थी। इसको आप यहीं से इतना ही देख सकते हैं। ये एनक्लोज्ड है, चारों तरफ से गेट पे ताला लगा हुआ है। ये मैं कैमरा अंदर करके आपको दिखाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें आप इस प्रकार। अब मेरे दिल्ली में सारे मोटे मोटे स्पॉट्स हो चुके हैं कवर, तो अब छोटी मोटी जो चीज़ें बची हैं, तो क्योंकि दोबारा वहाँ क्यों जाना, तो मैं सोचता हूँ छोटी छोटी चीज़ें ही कवर कर लेते हैं। ये देखिए आप पेड़, ये मेरे को समझ नहीं आया ये मौसम्बी है या क्या है, ये इतनी बड़ी बड़ी। ये तो खैर बेल पत्थर था, पीछे और मौसम्बी लगी हुई हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देखिएगा। ये देखें आप, ये लगी हुई मौसम्बी छोटी छोटी। उस समय मेरा दिल नहीं किया तोड़ने का, बाहर जब मैं वापस आ गया फिर मैंने सोचा यार एक तोड़ लाता याद के तौर पे और खा लेता रास्ते में। बट खैर अच्छी बात है, नहीं तोड़ा, ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए इस प्रकार। ये साहब एक जा रहे थे, मैंने इनसे पूछा कि ऊपर जा सकते हैं, तो इन्होंने बोला नहीं चारों तरफ से लॉक है। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, यहीं से वीडियो शूट कर लेते हैं हम, जितना अलाउड है। अब ऊपर कोई नहीं जा सकता तो मैं किस खेत की मूलियाँ जो मुझे जाने देंगे। तो ये मैं थोड़े से सिनेमेटिक शॉट्स लेने की कोशिश करते हुए, यहाँ पे हमने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली थी। अच्छा एरिया है, शांत एरिया है, और सबसे अच्छी बात रही कि कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई इंसान था ही नहीं आसपास, शांति, मतलब दो चार लोग थे बस गिन के। मेरे को ऐसे स्पॉट्स बहुत पसंद आते हैं जहाँ लोग ही नहीं होते, वहाँ आराम से आप तसल्ली से वीडियो बनाएं, तसल्ली से आप तस्वीरें लें और आराम से घूमें, ना कोई चिक चिक नहीं लोगों की, बच्चों का रोना धोना नहीं, सुकून आराम से। ये है नजफ खान टूम्ब, दिल्ली में पड़ता है। इसके पास जो है अगर आप आते हैं तो संजय झील और लेक है वो आप देख सकते हैं, और दरिया खान टूम्ब है 3 किलोमीटर पे, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।